कोई नौजवान माता पिता के लिए नहीं जाता, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जाता है। कुछ बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं होता हूँ। बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनकी धार्मिक यात्राएं अक्सर चर्चा में रहती है। तेज प्रताप खुद को कृष्ण भक्त बताते हैं, यही वजह है कि वह अक्सर वृंदावन की गलियों में नजर आ जाते हैं। वृंदावन से उनकी तस्वीर और वीडियो वायरल होते हैं। अब उन्होंने पहली बार बताया है कि वह बार बार वृंदावन क्यों जाते हैं। तेज प्रताप ने अपने एक बयान में इस राज से पर्दा हटा दिया है। शनिवार को बिहार के रोहतास में एक कार्यक्रम चल रहा था। तेज प्रताप को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। उन्होंने वृंदावन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, अभी पिताजी सिंगापुर में हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनकी स्वास्थ्य कामना के लिए वृंदावन के गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर 21 किलोमीटर तक नंगे पांव परिक्रमा किया। आज कोई भी नौजवान अपने माता पिता के लिए वृंदावन नहीं जाता है, गर्लफ्रेंड के लिए जाता है। तेज प्रताप यादव का यह बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनका अंदाज अपने पिता लालू यादव से मिलता है। उन्हीं के स्टाइल में वह बात करते नजर आते हैं। भले ही राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को मिली हो, लेकिन लालू की व्यवहार की विरासत तो तेज प्रताप यादव को ही मिली है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इसीलिए हम जाते हैं पिताजी के लिए, माता जी के लिए ही हम जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं वहाँ। इसीलिए हम जाते हैं पिताजी के लिए, माता जी के लिए ही हम जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं वहाँ।